Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक कैंडल मैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं, वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं आपके बिना. सो पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है. एक ये ग्रीन कलर की बटरफ्लाई है और एक ही येलो कलर की बटरफ्लाई है. दोनों बटरफ्लाईज को बड़े ध्यान से देखिए और अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मदद कर पाए पाइल सिलेक्शन करने में. अब आपको जो भी बटरफ्लाई नजर आ रही है आंखें बंद करके, आप वो पाइल की सिलेक्शन को कर सकते हैं. ये जो ग्रीन वाली बटरफ्लाई है दैट विल बी पाइल नंबर 2 और ये जो येलो वाली बटरफ्लाई है दैट विल बी पाइल नंबर 1. तो देखते हैं जिन्होंने ये येलो वाली बटरफ्लाई चूज की है, आपके पार्टनर आपके बिना क्या महसूस कर रहे हैं, करंटली वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं. लेट्स सी दैट. अब ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, तब तक मैं कैंडल लिट कर लेती हूं. देखते हैं आपके पार्टनर आपके बिना क्या महसूस कर रहे हैं, किस परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं. लेट्स सी दैट. वाइब्रेशन आज की बहुत हाई है. So I am directed to do this reading for you. आज guidance आई थी मुझे इस reading को करने के लिए. तो देखते हैं. आपके partner को ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को कभी भी आपको समझा नहीं पाएंगे. उन्हें अफसोस है कि आपका और उनका कम्युनिकेशन बंद हो गया है. बहुत ही ज्यादा अफसोस की एनर्जी नजर आ रही है. बट आपके पार्टनर के अंदर एक पैशन नजर आ रहा है इस रिश्ते को जीने का. वो इमोशंस की उधेड़ बुन में तो लगे हुए हैं, लेकिन अपने जीवन में आपको लेकर या आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन रही है उसको लेकर वो एक डिसीजन डेफिनेटली बना चुके हैं. आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं. उन्हें आपकी एनर्जी महसूस होती है. आप उनके साथ नहीं भी होते हैं तब भी उन्हें आपका एहसास हर पल में होता है. उन्हें आपको लेकर हेलुसिनेशंस होते हैं. आपके पार्टनर की एनर्जी बढ़ती हुई नजर आ रही है. वो मायूस जरूर है, लेकिन इस मायूसी के कारण ये नहीं है कि वो कोई स्टेप नहीं अपने जीवन में लेना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने कोई एक्शन आपकी तरफ बढ़ने के लिए ले लिया है. और ये जो एक्शन चेंज हुआ है उनका, वो आपकी वजह से हुआ है. सो आज बहुत दिनों के बाद उन लोगों के लिए एनर्जी निकल कर आई है जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया है, जिन्होंने एनर्जी को चैनलाइज किया है. आपके पार्टनर आपकी तरफ को आ रहे हैं, और ये नहीं है कि ये सिर्फ कहा जा रहा है कि आ रहे हैं, वो कोई एक्शन ले चुके हैं इस रिगार्ड में. हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ उनकी कोई सिचुएशन खराब हो गई हो, बट वो
आपकी तरफ को स्टेडली बढ़ते हुए कंप्लीटली नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी ठोकर खाई है। वो आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, वो आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत अप पोजेसिव हैं, और आई थिंक आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। यहां पर जो मैं मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइंस समझ आ रहे हैं, वो यहां पर जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा है, एरीज लियो सजिटेरियस, देन इज स्कॉर्पियो पाइसेस कैंसर, एंड बहुत कम यहां पर कैप्रिकॉर्न वर्गो और टॉरस है। आपके पार्टनर अपने लिमिटिंग बिलीफ से निकल रहे हैं, वो जैसे जैसे आपके बारे में सोचते जाते हैं वो उतने ही ज्यादा अपने आप को स्ट्रेंथ में फील करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, उन्हें आपके सपने आते हैं। आई थिंक आपको भी कहीं ना कहीं उनके सपने आते होंगे, बट ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत धीरे 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 आगे की ओर बढ़ रही है, और इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी वाली बात नहीं है। उन्होंने अपने डायरेक्शन चूज कर ली है और वो डायरेक्शन उन्हें आपकी ओर ही लेकर जा रही है। उन्हें आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट अब उन्हें इस बात की तसल्ली है कि वो आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं, और ये सब कुछ इस वजह से हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर की एनर्जी को चेंज किया है। आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड रही हैं पास्ट में। आज के टाइम पर जो उनकी एनर्जीज डिस्टॉर्टेड हैं थोड़ी बहुत, वो सिर्फ और सिर्फ उनके इमोशंस की वजह से है। रिग्रेट, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका कर्मा उन तक वापस आ रहा है, आपके बिना वो ऐसा महसूस करते हैं। बट एक बात की तो श्योरिटी है कि 24/7 आप उनके दिमाग से नहीं निकलते हैं। उनके सामने अचानक वो चीजें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ एसोसिएटेड हैं। अगर वो किसी मार्केट में भी जाते हैं तो उन्हें कोई ना कोई ऐसी चीज नजर आ रही है जो उन्हें आपकी याद दिलाती है। वो ये महसूस कर पा रहे हैं आपके बिना कि उनकी जिंदगी के अंदर शांति, उनकी जिंदगी के अंदर सुकून तभी हो सकता है जब वो आपके साथ होंगे, और उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि बहुत जल्द वो इस शांति को, इस पीस को अचीव कर लेंगे। उनके ये जो डिस्टॉर्टेड इमोशंस हैं वो सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस वजह से आ रहे हैं। आप अपना काम कर चुके हैं, उन्हें आपकी कदर महसूस हो रही है, वो महसूस कर पा रहे हैं कि उन्होंने आपके सच्चे प्यार की कदर नहीं की है, और इस वजह से ईश्वर उन्हें सजा दे रहे हैं। आपके पार्टनर आप तक आने के लिए सिर्फ भावुक नहीं है, बल्कि वो आप प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हैं। जिस तरह के स्टेप्स आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपके लिए लें, उस तरह के स्टेप्स वो लेने वाले हैं। प्रैक्टिकलिटी आपको बहुत जल्द नजर आएगी उनके एक्शंस में। बट एक बात है, जब वो अकेले में होते हैं वो रोते बहुत हैं। वो दर्द जो आपने महसूस किया था, वो अरमान जो आपके खत्म हुए थे, वो तकलीफ जब सब आपका मजाक उड़ा रहे थे, उन सभी परिस्थितियों से आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो रहे हैं।
आप उन्हें दर्द नहीं देना चाहते हैं, मुझे पता है, लेकिन ये उनकी परिस्थिति है। वो आपके बिना अपने जीवन में बहुत ही दिशाहीन खुद को महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे वर्स्ट फेस देखा है आपके बिना, और अब वो पूरी जिंदगी को नरक नहीं बनाना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपकी स्माइल को मिस करते हैं। आपकी कोई एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी ट्रायट है जिसको वो बहुत ज्यादा मिस करते हैं। आप जिस नाम से उन्हें बुलाते थे वो उस नाम को मिस कर रहे हैं। वो अगर अपने दोस्तों में भी रहते हैं तो वो भीड़ में भी अकेला खुद को महसूस करते हैं, क्योंकि आप उनके साथ नहीं हैं। उन्हें प्यार का नशा हो रहा है। ये प्यार का एहसास जब वो पहले आपके साथ थे तो उन्हें उतना नहीं था, जितना गहरा प्यार अब उन्हें आपके साथ होता जा रहा है। तड़प रहे हैं आपके लिए, रोते हैं आपके लिए। मजबूरियां कुछ नहीं है, शर्मिंदगी बहुत है। किस तरह से आपका सामना करेंगे ये उन्हें समझ नहीं आता है। आपसे पहली बार मिलकर क्या कहेंगे ये उन्हें समझ नहीं आता है। चाहत है, प्यार है, इस चाहत का यकीन आपको कैसे दिलाएंगे ये समझ नहीं आ रहा है उन्हें। क्या आप उनकी बात पर यकीन करेंगे ये सोचकर वो परेशान होते हैं। क्या आप उनसे कभी प्यार कर पाएंगे इस बात को सोचकर वो हैरान होते हैं। अब ये मिसिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उनकी फोटो गैलरी में सबसे टॉप पर आप ही की कोई पिक है, इतना ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि अगर इतना मिस कर रहे हैं तो कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे। बहुत जल्द ये चीज होने वाली है, क्योंकि वो कोई भी ऐसा रीजन आपके सामने नहीं लाना चाहते हैं कि उन्हें वापस से उस एनर्जी जोन में जाना पड़े। तो वो अपना जो उन्होंने कर्म किए हैं उसे क्लियर कर रहे हैं, वो सिचुएशन को एंड कर रहे हैं। कम्युनिकेशन होगा, 100% होगा, लेकिन इस एनर्जी में उन्हें थोड़ा टाइम रहने दीजिए। एहसास होने दीजिए उन्हें कि उन्होंने क्या गलती की है। इस तड़प से आप भी गुजरे हैं। और ईश्वर हर एक चीज को बैलेंस में लेकर आते हैं। आपको इतना हर्ट करने के बावजूद भी आपने अपने पार्टनर के दर्द को समझा और आपने अपने पार्टनर को एनर्जी की टर्म्स में हील किया, इस बात का एहसास यूनिवर्स उनको करवा रहा है। यूनिवर्सल एनर्जीज के थ्रू उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है आपको हर्ट करके। इस बात का एहसास हर पल के साथ बढ़ता जा रहा है। उनके कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, शर्मिंदगी है। शर्मिंदगी को कवर करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है उन्हें, और ये बात वो आपसे भी कहेंगे जब वो आपसे मिलेंगे कि वो अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। आपके बिना उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। आजकल तो खाना पीना भी कहीं ना कहीं उन्होंने छोड़ रखा है, उन्हें कोई होश नहीं है। उन्हें अपने करियर को लेकर भी कोई खास होश नहीं है। उनको अगर अब कोई जुनून है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका है, ये महसूस करते हैं वो आपके बिना। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है
आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टारो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ग्रीन कलर की कैंडल चूज की है। आपके पार्टनर आपके बिना कैसा महसूस करते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं, करंट सिचुएशन क्या है, लेट्स सी दैट। आपके पार्टनर आपके बिना कैसा महसूस करते हैं करंटली। सो फॉर पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर क्या महसूस करते हैं, आपको लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर, आपके बिना उन्हें कैसा फील होता है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनकी जिंदगी में सब कुछ बिखर रहा है, वो जब इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी के अंदर उन्हें सब कुछ मिलने वाला है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, उन्होंने बहुत सेल्फिश एक्ट किया और आपके जज्बातों की उन्होंने कदर नहीं की। इस वजह से आज वो इस स्टक सिचुएशन में है। वो आपको इस थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर कर रहे हैं और इस कंपैरिजन में आप इस सिचुएशन के हीरो हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी इस थर्ड पार्टी के कंपैरेटिव लाख गुना ज्यादा अच्छी है। ये थर्ड पार्टी दिखावे में बिलीव करती है, उन्हें ऐसा लग रहा है। वो आपके बिना ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अपने हाथ से अपनी खुशियों का गला घोट दिया है। वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी में ये जो पेन है ये उन्होंने खुद इनवाइट किया है और यही दर्द उन्हें कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है। वो आपको बताना चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी के बारे में वो क्या सोचते थे और ये थर्ड पार्टी क्या निकली है। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि आप उनके जज्बातों की कदर करते थे, आप उनके डिसीजंस की कदर करते थे, आप उनकी बात सुनते थे और आज वो अपनी बात कह भी नहीं सकते हैं। वो इस तरह की एनर्जी में है इस थर्ड पार्टी के साथ, तो ये कंपैरिजन तो चल ही रहा है। और वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जब वो इतना कुछ इस थर्ड पार्टी के बारे में जानते हैं तो फिर भी वो इसी सिचुएशन में क्यों अटके हैं,
क्यों अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? वो ये फील करते हैं कि आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी हैं और ये जो थर्ड पार्टी है ये एक दो मुआ सांप है जो उनके जीवन को खराब कर रहा है, डस रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, वो ये बहुत बार रियलाइज करते हैं कि जो उनके पास था उन्होंने उसकी कदर कभी नहीं की, और जो उनके पास नहीं था उसके पीछे पीछे वो भागते रहे, उन्हें दूर के ढोल सुहावने लग रहे थे लेकिन अब उनके कान खुद ब खुद फट रहे हैं उसी शोर से, उस थर्ड पार्टी की एनर्जी से। अपने आप में बहुत घुटन महसूस करते हैं वो, उन्हें ऐसा लगता है उनकी जिंदगी में पछताने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वो आप तक कभी नहीं आ पाएंगे, पर एक और एहसास जो उन्हें हो रहा है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। वो ये है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका और उनका कोई पिछले जन्म का कनेक्शन है जिसकी वजह से वो आज तक भी आपको भूल नहीं पाए हैं और आप भी उन्हें भूले नहीं होंगे, इस बात की उन्हें श्योरिटी है। वो ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वो ये प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी तकलीफ को एक बार समझें, क्योंकि वो बहुत सारी बाउंड्रीज के बीच में कैद हो गए हैं, उनकी एनर्जी बंद गई है, इस बात का एहसास आपके पार्टनर को है। उन्हें आपके बिना इस बात की अवेकनिंग तो डेफिनेटली हुई है कि आप दोनों का जो ये रिश्ता है ये बहुत खास है, और इस रिश्ते में इस थर्ड पार्टी का भी कुछ ना कुछ रोल जरूर है, इस बात का एहसास उन्हें हुआ है। लेकिन अभी वो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में है, बहुत ही लो एनर्जीज में है। अगर दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर इगोइस्टिक हैं, डोमिनेटिंग हैं, वो तो बस इस थर्ड पार्टी के साथ ही है, बट एक्चुअल सच्चाई ये नहीं है। आपके पार्टनर खुद से ही सवाल करते हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं खुद को, कैसा कर सकते हैं वो आपके साथ ऐसा, वो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, ये सब कुछ कैसे हुआ, हाँ आप और वो तो अपने जीवन में बिल्कुल खुश थे, क्यों ऐसा हुआ। इन सवालों के जवाब जब वो ढूंढ रहे थे तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ है, लेकिन इसमें मूव कैसे करना है, क्या करना है, वो उन्हें कुछ समझ नहीं है। आपके पार्टनर आपको याद तो करते हैं पर अपने आप को ज्यादा कोसते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने आपसे कहा है ना कि वो सवाल भी खुद से ही करते हैं और जवाब भी खुद को ही देते हैं इस तरह की एनर्जी में। वो एक्चुअली आपके बिना बहुत ही ज्यादा अकेलापन तो महसूस कर रहे हैं लेकिन बहुत कुछ सफर भी कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पेन की एनर्जी में है वो। आपके प्यार का एहसास तो है लेकिन अपने कर्म का ज्यादा पछतावा है उनको। आप अपने पार्टनर से अगर एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं तो आपके पार्टनर कोई एक्शन आपकी तरफ को नहीं लेंगे, उनकी एनर्जीज बहुत लो है, कोई स्टैंड नहीं लेंगे वो। आपके पार्टनर अपने आप को बिजी रखने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन
जहां पर भी जाते हैं याद आपकी ही आती है, आप ही के प्यार का एहसास उन्हें बार बार होता है। जिंदगी में इतनी बड़ी मिस्टेक वो कैसे कर सकते हैं, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। और ये जो आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप है, ये उनके लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। लेकिन एक पॉजिटिव उम्मीद भी वो रखते हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कभी ये सोचते हैं कि ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है, उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। क्योंकि अपनी एनर्जीज के साथ वो आप तक मूव कर नहीं पाते हैं, इस वजह से उन्हें भी इस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें घमंडी समझते हैं, कहीं ना कहीं आप उन्हें सेल्फिश समझते हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी उम्मीद भी छोड़ते जा रहे हैं, उन्हें होप सिर्फ इस बात की है कि जो आप उनसे प्यार करते हैं वो एक सच्चा प्यार है, तो उनकी पेन का एहसास कहीं ना कहीं आपको होगा। बस इस एहसास से आप उन्हें इस पेन से निकाल लेंगे, उन्हें ऐसा महसूस होता है। और वो ये भी महसूस करते हैं आपके बिना कि एक बार अगर ईश्वर ने उन्हें मौका दिया तो वो दोबारा कभी आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये वो खुद से ही प्रॉमिस भी करते हैं। आपके पार्टनर अपने जज्बातों को कहीं ना कहीं खुद में दबा दबा कर भी बहुत ज्यादा तकलीफ में है। देखिए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, ये दर्द क्यों है आपके पार्टनर को, क्यों आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या उनकी ब्लॉकेजेस हैं, क्या ये सिचुएशन है जो इतने प्यार के बावजूद भी वो आपकी ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको इस बारे में जानकारी लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आप ही की तरफ को एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग उनकी ब्लॉकेजेस को समझिए और अपने पार्टनर को हील कीजिए, वो जरूरी है आपके लिए। अदरवाइज एक्सपेक्ट आप करते जाएंगे, एक्सपेक्ट वो करते जाएंगे और इस रिश्ते में कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा, इसमें थर्ड पार्टी का जो रोल है वो बढ़ता जाएगा। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, पेन आपको भी है, पेन उनको भी है, वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अगर मानते हैं कि उनसे गलती हो गई है और आप उन्हें एक चांस देना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर के ब्लॉकेजेस को समझने की कोशिश कीजिए, अपने पार्टनर को हील कीजिए, अपने पार्टनर की एनर्जी में उन्हें वापस लेकर आइए। वो तो अपनी एनर्जी में भी यहां नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत ही स्टक एनर्जी है। अभी मैं आपको वैक्स भी उठाकर दिखाऊंगी, बहुत ही स्टक एनर्जी है, वहीं पर ही कालचक्र घूमता जा रहा है, साइकिल वहीं पर ही घूमता जा रहा है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहकर भी उन्हें बुला नहीं पा रहे हैं। इस रिश्ते की कुछ सच्चाई है जो आपको समझने की जरूरत है। आपके पार्टनर बहुत तकलीफ में हैं, इतना ही कहूंगी मैं यहाँ पर कि आपके पार्टनर की अगर ये पेन, ये दर्द की कसक आप तक पहुंच रही है, तो अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए, उनके लिए एक रीडिंग लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है उनकी स्टक सिचुएशन, ये उनके जज्बात थे, लेकिन जिस साइकिल में वो अटके हुए हैं, ये साइकिल वो है, इस साइकिल से उन्हें बाहर निकाल दीजिए।
सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।